बताए थे एसबीआई बहुत बढ़िया चला, नालको चल गया आपका, विप्रो ठीक था, यूपीएल आपने कहा प्लस करना, और एचडीएफसी मैंने लिख रखा है सर, अब मैं लिखता हूँ बकायदा आपके शेयर्स, एचडीएफसी आपने कहा था कि अब इसकी गिरावट खत्म हो रही है। सर कोई अपडेट है इन जो मैंने शेयरों के नाम बोले हैं अभी तक, तो वो पहले बता देना, फिर आपने नए शेयर्स बता दीजिए सर। हाँ देखिए, कल एक तो वंदना पूजना थी, आपको पता है बसंत पंचमी थी और वैलेंटाइन डे भी था, तो कलकत्ता में तो खूब जी रौनक थी, पार्टी भी चल रही थी और लोग सरस्वती की वंदना भी कर रहे हैं। कैसी कैसी दो 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 गुंडे, तो आपको दोनों तरफ बनना है, आपको आपको अपना ध्यान रखना है कि आप वंदना पूजना भी कीजिए, सरस्वती का भी ग्रहण कीजिए, लेकिन थोड़ा पार्टी भी कीजिए, एंजॉय भी कीजिए। उस कारण से आपको बोलता हूं कि पीएसयू बैंक में तो भी चाल शुरू है, एनएमडीसी के रिजल्ट शानदार, नैलको के रिजल्ट शानदार, बीपीसीएल एचपीसीएल आईओसी शानदार, ओएनजीसी शानदार, गेल शानदार, हेल शानदार, तो कहां है मंदी। दूसरी बात, अभी भी मैं सोचता हूं विप्रो में तो शुरुआत है, विप्रो विल आउट परफॉर्म ऑल लार्ज कैप टेक्स, 650 से पहले बंद नहीं होएगा विप्रो। दूसरी बात, स्टेट बैंक 790 का टारगेट आपको 680 पे दिया था, और यूपीएल जो मेरी मैनेजमेंट से बातचीत हुई है, दे आर लुकिंग टू डाइवर्ट सम ऑफ देयर प्राइज्ड एसेट्स टू रिड्यूस डेट। उन्होंने अभी तंजानिया में क्रॉप प्रोटेक्शन कंपनी में इन्वेस्ट किया है और वो कह रहे हैं डीस्टॉकिंग इज ओवर, जो हमारा वन टाइम लॉस था अर्जेंटीना का वो राइट बैक होएगा, डबल डिजिट मार्केट आएगी, 550 से कम मत बेचना, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म रख सकते हैं, दिस इज द लार्जेस्ट एग्रोकेमिकल प्लेयर, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड एंड द लार्जेस्ट इन इंडिया। आज के आपके पिक्स है, आप कहे तो मैं शुरू करूं, और मैंने जो आपको कहा था एचडीएफसी बैंक मेरा टॉप पिक है। बैंक निफ्टी ने अगर 50,000 जाना है तो एचडीएफसी बैंक ने 1650 जाना है, एक दिन में नहीं जाएगा, एक हफ्ते में नहीं, थोड़ा टाइम लीजिए। आज आप मोमेंटम मत चेज कीजिए, वैल्यू लीजिए। ठीक है सर, सर बता दीजिए कुछ आपके जो शेयर्स हैं तो। तो देखिए, धनलक्ष्मी बैंक मैंने पहले भी कहा था 40-42, 58-59 बिक के आ गया, वापस वही रेंज में आ गया। धनलक्ष्मी के रिजल्ट बहुत बढ़िया है, केरला का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स इन गोल्ड एग्री एंड एमएसएमई है, इसमें 1.5% किसी के प्रमोटर का होल्डिंग नहीं है, ये शेयर 75 भी चले जाए तो भी कम है, 1,100 करोड़ में इतना बड़ा मार्केट कैप, इससे सस्ता मार्केट कैप स्टॉक मिल नहीं सकता। दूसरा मेरा पिक है एचडीएफसी बैंक, जो आपको मैंने कहा M&M के नंबर बहुत शानदार थे, 1610 का स्टॉप लॉस रखिए, 1750 का टारगेट, एचडीएफसी बैंक का पहला टारगेट होएगा 1600 रुपए, और मुझे लगता है आज ये 1440 के ऊपर बंद होगा, तो ये आपको एक डबल बॉटम बन गया है टेक्निकली, जो मेरे को किसी ने बताया। चौथा है मेरा शेयर रेलिगेट, देखिए बर्मन आर डेस्परेट टू बाय, और ये लीगल जो एम्ब्रोग्लियो है उनके ओपन ऑफर आज भी तो कल आएगा, तो ओपन ऑफर विल नॉट बी मच सक्सेस क्योंकि द वैल्यू ऑफ रेलिगेयर इज फार हायर, आप 1.7-1.8 टाइम प्राइस टू बुक दे रहे हो फॉर समवन हु इज अ लार्ज प्लेयर इन इंश्योरेंस, स्टॉक ब्रोकिंग, एमएसएमई एंड एनबीएफसी। मुझे लगता है रेलिगेयर की फेयर वैल्यू 350 रुपए होनी चाहिए, तो मैं आपको फिर एक अच्छा वैल्यू पिक दे रहा हूं, जहां आपके पास क्रेडेंशियल्स हैं कि डाबर आर गोइंग टू बी द लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स एंड देयर विल बी अ टर्न अराउंड।